राजस्थान में डीडवाना जिला बनाने की मांग को लेकर कचहरी परिसर के बाहर डीडवाना जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस धरने में तमाम डीडवाना के भामाशाह समाज सेवी राजनेता सभी मौजूद हैं और जिला बनाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। वहीं धरने के साथ में एक दो रोज में बड़ी रैली का आयोजन जयपुर कूच का भी किया जाएगा। डीडवाना को जिला नहीं बनाया जाता तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। वहीं 10 फरवरी को राजस्थान विधानसभा का बजट आने वाला है जिसको लेकर जिले की आस जग चुकी है। देखिए, डीडवाना को जिला बनाने की मांग पिछले काफी लंबे समय से चली आ रही है और इस मांग में सभी डीडवाना वासी, सभी राजनीतिक दल, सभी समाजों के संगठन इसमें हमेशा सम्मिलित रहे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसी क्रम के अंदर डीडवाना जिला बनाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान के अंदर कुछ दिन पहले धरना दिया गया था और अभी भी अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। कल 4 फरवरी को डीडवाना के अंदर सुभाष सर्किल से और पूरे शहर के अंदर एक रैली निकाल करके और उसका समापन डीडवाना के SDM कार्यालय के बाहर में किया जाएगा। तमाम राजनीतिक पार्टियां तथा तमाम नौजवान कल सुबह सर्किल पे एकत्रित होकर के हाथों में तख्तियां लेकर के और जितने भी डीडवाना की शिक्षण संस्थाएं हैं उनके जो व्यस्क जो समझने वाले नौजवान जो बच्चे हैं वो भी कल वहाँ आएंगे। इन सब के नेतृत्व में जिला बनाओ संघर्ष समिति कल एक बड़ा आंदोलन और बड़ी संख्या में आम जनता को एकत्रित करके आज एक रैली निकालेगी।